ताज़ी ताज़ी हर्बल चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पालक के पत्ते, ताज़े होने चाहिए तुरंत तोड़े हुए, और धनिया की पत्तियाँ, और ये हैं हरी मिर्च, लहसुन की कली, स्वाद के अनुसार नमक, और छोटा सा आम का टुकड़ा मैंने यूज़ किया है। इस चटनी को हम किसी भी रोटी या डोसा, किसी भी ऐसे आइटम के साथ खा सकते हैं जिसमें चटनी की ज़रूरत है। तो ये हर्बल है, सॉस वगैरह प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कभी कभार इस प्रकार की चटनी हमें खा लेनी चाहिए, क्योंकि पालक में जितना भी इसके तत्व होते हैं पकाने से ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से थोड़े से पत्तों से हम बहुत अच्छी चटनी बना सकते हैं। आम को थोड़ा सा छील लेंगे और छीलने के बाद छोटे से टुकड़ों को यूज़ करेंगे, इतना काफ़ी है खट्टापन लाने के लिए। थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैंने आधा गिलास डाला है। और इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए ये चने, भुने हुए चनों का यूज़ किया है मैंने, इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी और चटनी का स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाएगा। रेडी है हमारी चटनी, इसको अच्छे से पीस लेंगे और सर्व करेंगे